बैक टू राजपूत फैमिली व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है मायरा हॉट सीट पे है, गाड़ी चला रही है, अल्लाह खैर करे, हाईवे पे हम चढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वॉक इन जो है अपॉइंटमेंट है वली के लिए। तो आज जो है काफ़ी बिजी है दिन हमारा, तो वेदर भी जो है अचानक से जो है चेंज हो गया, अचानक ठंड आ गई है इतने अच्छे वेदर से। तो आज जो है तकरीबन 35 डिग्रीज है यहाँ पे, तो काफ़ी ठंड है, फारेनहाइट, सेल्सियस नहीं फारेनहाइट। अपनी तरफ नीचे कर ले, मैं उधर का शीशा भी नहीं देख पा रही हूँ। देखा, अल्लाह खैर करे आज। तो आज जो है हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो पीछे वली और राहिम है हमारे साथ और अजान आंटी के पास ही है। तो मायरा आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, आई एम राइट नाउ ऑन द हाईवे। तो मायरा जो है गाड़ी चला रही है, काफी अर्से के बाद हाईवे पे आई है। वो आपको मेरा वो याद है ना व्लॉग जिसमें रेहान ने मुझे डिज्नी जाते हुए कहा था हाय आहिस्ता चलाओ, इस वाली स्पीड पे चलाओ। उस दिन से मेरे दिल में डर बैठ गया था, तो वो अपना डर खत्म करने के लिए आज मैंने रेहान को कहा कि मेरे साथ चले डॉक्टर के। और अजान रहीम का डॉक्टर काफी दूर है और काफी सालों से हम उसके पास जा रहे हैं, तो वो हाईवे यूज करना पड़ता है उसके पास जाने के। अंदर अंदर से भी जा सकती हूँ लेकिन मैं अपनी वीकनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती कि हाईवे पे चलाने का डर मेरे दिल में बैठा रहे। और मैं हाईवे पे बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ लेकिन बिकॉज ऑफ रेहान व्हेन वी वर गोइंग टू फ्लोरिडा, रेहान गिव मी हार्ड टाइम एंड उन्होंने मुझे बड़ा जो है ना वो, मैंने कोई हार्ड टाइम नहीं दिया था इसको, मैंने सिर्फ कहा था स्पीड लिमिट में चलाओ, स्पीड से ऊपर जा रही थी। स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी, स्पीड पे थी तो रेहान कहते हैं 10-20 ऊपर जा सकते हैं। इस पे एक और बात है 10-20 ऊपर जाने पे, मैं आपको बताती हूँ, रुक जाए जरा लाइन चेंज कर लूँ। तो एक दफा जब मैं शुरू में आई तो मैंने देना था ड्राइविंग का टेस्ट, तो ड्राइविंग के टेस्ट में उन्होंने स्पीड लिमिट पूछी थी कि इंटरस्टेट चलाते हैं तो कितने नंबर्स ऊपर जा सकते हो, कितने नंबर नीचे रह सकते हैं। तो रेहान ने मुझे हमेशा एक बात कही थी, 10 नंबर हमेशा ऊपर जा सकते हैं, दैट्स ओके, पुलिस विल नॉट कैच यू। मैंने भी लिख दिया 10 नंबर ऊपर जा सकते हैं और मैं वो टेस्ट फेल कर गई इस वजह से। तो सच्ची बात आई है, तो मैंने अपने आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बता दिया रेहान के साथ का। तो इन्होंने ड्राइविंग करते हुए भी मुझे यही बात देखो, कि 10-20 देखो ऊपर जाओ। जो लड़के चलाते हैं जिस तरह गाड़ी, नहीं लड़के और लड़कियां कैन ड्राइव इक्वली, डोंट से लाइक लड़के जो चलाते हैं वो बिंदास चलाते हैं, लड़कियां जो चलाती ना वो रूल्स को फॉलो, रेगुलेशंस को फॉलो करके चलाती हैं। कमेंट करें अगर आप इस बात पे एग्री हैं मेरे साथ। आपको भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर ओनली गर्ल्स। आई नो, लेकिन लड़कों को मतलब है कि मैं कहना है कि चाह रहा हूँ कि लड़के परवाह नहीं करते। ओके, ट्रैफिक बहुत है और मायरा जो है क्या ड्राइव कर रही है। अच्छा, सही करती है ड्राइव, ऐसे फजूल में जो है ना दिल में बैठा लिया इसने। आप ही ना बिठाएं, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है या दिल में कोई कमजोरी है तो उसको कोशिश करें कि अपने किसी प्यारे के साथ मिलकर उस कमजोरी को दूर करें, शेयर करें या दूर करें, दूर करें। यानी आपको कोई सहारा होता है तो आप, जैसे मैं रेहान के साथ था कि मैं चाहूंगी और हाईवे पे एक दफा तो मेरे से दूरी कुछ दूर हो जाएगी। एक्चुअली जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और हम पाकिस्तान गए हैं तो तब से मैंने ड्राइव करना छोड़ दी, और जब हम आए तो रेहान के साथ ही आना जाना लगा हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि अब रेहान बैक टू लाइफ, आहिस्ता आहिस्ता सारी यहाँ पे भी बैक टू लाइफ सारा कुछ हो रहा है, तो रेहान को भी मैं चाहती हूँ कि मैं इतना इस चीज़ के लिए हार्ड टाइम ना दूँ कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट पर जाओ, क्योंकि हम उससे पहले लाइक बिफोर पेंडेमिक मैं अपने काम सारे खुद करती थी, ग्रोसरी भी खुद लाती थी, अपॉइंटमेंट्स भी खुद करती थी, स्कूल्स के भी बच्चों के काम। तो मैं फिर से चाहती हूँ कि लाइक मैं इस चीज के लिए बिल्कुल वो रेहान को हार्ड टाइम ना दूँ। रेहान, इफ योर हस्बैंड वांट्स टू इन्वॉल्व, दैट्स फाइन, बट समटाइम्स दे नीड सम ब्रेक व्हेन यू आर होम एंड यू डोंट। ओह रियली, ब्रेक? मेरा मतलब है लाइक आप अगर अगर वाइफ्स के पास घर पे कुछ करने को नहीं है, तो अगर वाइफ्स भी जॉब करती हैं
तो दोनों को बराबर से अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ना के क्या? तो ना कि मैं कहती हूँ अगर बीवियाँ घर पे हैं और कोई काम नहीं है, लाइक जस्ट हाउस वाइफ है, दे शुड डू दिस स्टफ। और अगर वाइफ जॉब करती हैं तो डेफिनेटली दोनों हस्बैंड वाइफ्स को जो है वो बराबर से इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि समटाइम्स लेकिन समटाइम्स बीवियों का दिल करता है कि वो बेशक घर पे रहती हूँ लेकिन उनके मियाँ उनके साथ स्कूल जाएं, ग्रोसरी करें, स्कूल जाएं, बच्चों के स्कूल जाएं। अच्छा चलो जी, डॉक्टर ने बुला लिया आपको, अंदर चलो। तो हम आ गए डॉक्टर के पास ओली के साथ, ओली की अपॉइंटमेंट है। वली का हमने डॉक्टर चेकअप करवा लिया, साथ साथ अब्दुल रहीम का भी हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से हम आ नहीं सके और मायरा पाकिस्तान चली गई थी, तो इसी वजह से जो है ना हमने अब्दुल रहीम का भी टेस्ट करवा लिया है साथ साथ। तो हम पहुंच चुके हैं अभी अब वली का कोविड टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि उसकी ट्यूसडे को सर्जरी है, तो आपको प्रोसीजर भी दिखाएंगे। तो हम अंदर जाएंगे क्या? अंदर नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे हमें। अच्छा तो अभी कोविड टेस्ट करवाते हैं इसका। ये सामने लाइन लगी हुई है, हमारे आगे भी दो गाड़ियां हैं और पीछे तो बेतहाशा गाड़ी है कोविड टेस्ट के लिए। तो यहाँ से इस टेंट में होगा, वाइट टेंट में, ये आपको नजर आ रहा होगा वाइट टेंट के नीचे जाकर होगा। लो जी बंदे निकल आए जो टेस्ट करते हैं। ले जी कोविड टेस्ट भी हो गया, थोड़ा सा रोया है वली। But that was not hard. It, they just took it from outside of the nozzle. It was hard in Pakistan, जिस तरह से उन्होंने अंदर तक लेके गए। Oh my God, that was so worse. पाकिस्तान में तो nightmare. चले वाली की इतनी तो आसानी हो गया है, डॉक्टर का चेकअप हो गया है, कोविड टेस्ट हो गया। रिमेम्बर हिम इन योर प्रेयर्स। वाली है सर्जरी ऑफ हिज टीथ्स ऑन ट्यूसडे इन हॉस्पिटल एंड दे विल गिव हिम एनेस्थीजिया। सो माँ का दिल है, छोटी सी भी सर्जरी हो तो डाउन डाउन फील कर रही हूँ 3-4 दिनों से, जब से बस डॉक्टर ने कहा है कि इसकी जून में नहीं अभी सर्जरी होगी, इसके बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हो गई हैं। बच्चा है, रात को दूध पीने से भी और ब्रश नहीं करवाता, और ऐसा भी नहीं है कि दूध की फीडर मुंह में लेके सोता है या करता है। और अजान के साथ भी हुआ था लेकिन वली हमारा काका है, उस टाइम पे भी खौफ था, इस टाम पर भी है, बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये वाला काम हो जाए। 3-4 दिन बस अब वली की तरफ ध्यान लगा रहेगा। हम आ गए घर पे, वली का कोविड टेस्ट करवाया है और डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी फिजिकल उसका, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा एक, मेरा ख्याल से एक दिन 24 से 48 घंटों के अंदर आता है और इंशाल्लाह सही होगा। जारी बात है हम लोग इतना बाहर नहीं निकलते हैं बच्चों की वजह से और सेफ्टी प्रिकॉशंस करते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। दुआओं में याद रखेगा वली का, ट्यूसडे को 30 सर्जरी है, इट विल बी फॉर 2 आवर्स, उसको एनेस्थीजिया देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, और स्पेशली वली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम राजपूत फैमिली। अस्सलाम वालेकुम।